वीके न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। प्रदेश में रेप की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज के इतने सख्त होने के बाद भी अपराधी बेखौफ है, ना तो उन्हें मामा का डर है और ना ही मामा के बुलडोजर का। अपराधी बेखौफ होकर आए दिन घिनौनी घटना को अंजाम दे रहे हैं। 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल बस में दुष्कर्म की घटना भी सुलझी भी नहीं थी कि एक बार फिर मुरैना में घिनौनी घटना की वारदात को अंजाम दिया गया है। चंबल के मुरैना जिले में 3 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामला सामने आया है। 16 साल के बॉयफ्रेंड ने पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों बहनों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं मामला का खुलासा होने पर पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि मुरैना में अपहरण की गई लड़कियों के मामले में एक नया मोड़ आया है। 3 नाबालिगों ने 11 घंटे की पूछताछ में पुलिस को बताया कि 2 माह पहले एक लड़की के साथ बलात्कार किया था, उसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 लड़कियों के साथ मंगलवार को बलात्कार किया गया। यह सब बीच शहर के MS रोड स्थित रेस्टोरेंट सिटी ब्यूटी कॉफी बार में किया गया। मुझे कोल्ड ड्रिंक लाया था, इसको पहले कभी ले गया था कमरे में रूम से। फिर क्या हुआ? फिर मैं तो बेहोशी हो गई थी। अच्छा, ये तीनों आपके गांव के लोग हैं? हाँ, तीनों गांव के लोग। पहले मतलब फोटो डाल के ऐसी गाली वाली रखती थी। वही आपको बता दें कि चारों आरोपी सुआलाल का पूरा गांव के हैं। आपको बता दें कि सिविल लाइन थाना इलाके के सुआलाल की पूरा की रहने वाली तीनों चचेरी बहनें कोचिंग पढ़ने जाती हैं और इसी दौरान उनकी दोस्ती अनूप भुल्लू और रवि गुज्जर से हो गई। भुल्लू गुज्जर एक लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया। 2 महीने पहले आरोपी भोलू ने हाईवे पर स्थित होटल में एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसके फोटो और वीडियो बना लिए और इसके बाद लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा। वही 13 सितंबर को यह तीनों बहनें रोजाना की तरह कोचिंग के लिए निकली थी। जैसे ही एयर ट्रांसपोर्ट नगर के पास पहुंची, तभी रवि गुज्जर तीनों बहनों के पास पहुंच गया और कहा कि तुम तीनों मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलो, अगर नहीं चली तो मैं तुम्हारी फोटो वायरल कर दूंगा। उसके बाद रवि गुज्जर सहित ये तीनों बहनें शहर के ब्लू कैफे रेस्टोरेंट में पहुंच गई। वहां पहले रवि गुज्जर ने अपने साथियों के साथ मिलकर इन तीनों बहनों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं आधे घंटे बाद दोनों बहनों ने बताया कि दोनों के साथ दुष्कर्म हुआ है। उसके बाद तीनों बहनों ने इस घटना के बारे में परिजन को बताया और परिजन थाने पहुंचे, जहां पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं CSP अतुल सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज MP। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।